दोस्तों, किसी ने सच्ची कहा है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के छोटे से गांव में रहने वाले सहदेव के साथ। सोचने की तो दूर की बात है, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एक छोटे से वीडियो से आज सहदेव इतना फेमस हो जाएगा। बॉलीवुड के सुपर स्टार सिंगर बादशाह, जिनसे मिलने की हर कोई चाह रखते हैं, जिनका पूरा देश फैन है, खुद उस इंसान ने छोटे से गांव में रहने वाले सहदेव से कॉन्टेक्ट किया और वीडियो कॉलिंग पर बात की और सहदेव को अपने पास चंडीगढ़ बुलाया। मतलब कि जिस इंसान के करोड़ों लोग फैन है और आज वो एक छोटे से बच्चे को पूरा सपोर्ट कर रहा है, वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है। क्योंकि एक यही इंसान है जिसने इस बच्चे सहदेव की पूरी जिंदगी बदल दी। आज उससे बड़े बड़े लोग घर आकर खुद मिल रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इसको बधाई दी, और ऐसा हर किसी के नसीब में नहीं होता है। लेकिन बात तो ये भी है कि इंसान की थोड़ी किस्मत का भी साथ देना जरूरी है। लेकिन भाई लोग, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सहदेव को तो मैं खुद भी सपोर्ट करता हूँ और आप भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उस फरिश्ते को भूल रहे हैं जो इस सहदेव की जिंदगी में एक इंसान बनकर आया है। क्योंकि आज बादशाह सर की वजह से ही सहदेव फेमस हुआ है। हाँ, ये तो है कि सहदेव का वीडियो ऑटोमेटिक वायरल हुआ था, लेकिन सहदेव चर्चा में जब भी आने लगा तब बादशाह ने सहदेव से वीडियो कॉलिंग पर बात की, उसे मिलने के लिए चंडीगढ़ बुलाया। वैसे तो आप खुद जानते हैं कि सहदेव का ये वीडियो आज से एक साल पहले टिकटॉक पर भी वायरल हुआ था, लेकिन कोई भी इस लड़के को नहीं पहचानता था। इसकी पहचान बादशाह सर से ही हुई है। जब बादशाह सर ने इसको कॉन्टेक्ट किया, इसके बाद से ही इसको सभी पहचानने लगे। तो आप सबको बादशाह सर को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि सहदेव का फेमस होने का सबसे बड़ा कारण बादशाह ही है। और आप बादशाह सर के बारे में क्या विचार रखते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।